भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन। मेरे पास 20,000 रुपए रखे थे, वो 20,000 रुपए लेके एक पिल्ला था यहाँ पे, खुले घेर की वजह से, यहाँ पे खुला घेर है, कोई चोरी वोरी ना हो जाए, हमेशा यहाँ पे भी नहीं रहते, तो इसलिए वो पिल्ला और उठा के ले गया, उनका ड्राइवर था और वे दोनों। बिजली विभाग के जो अधिकारियों ने उत्पीड़न किया, प्रधान जी एक जनता के प्रतिनिधि भी हैं। 20,000 रुपए ले गए और ये बोला, हम उनके यहाँ एक छोटा पप्पी था और ये कह रहे थे कि हैव ए ब्यूटीफुल पप्पी, और उस पप्पी को भी लेके, यानी वो छोटा पिल्ला था, पप्पी पिल्ले को ही कहते हैं, उसे भी उठा कर ले गए। तो ये जो अन्याय किसानों के साथ में और गाँव वालों के साथ में देहात में किया जा रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें मुकदमे वापस होंगे, नहीं तो 10 तारीख को फिर और पंचायत होगी और उसमें अनिश्चितकालीन के लिए पंचायत होगी और धरना दिया जाएगा। जब तक मतलब यही उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरना दिया जाएगा 10 तारीख को। जो विभाग के लोग कभी भी रात को या दिन में किसी भी समय आकर के इलीगल तरीके से छापेमारी करते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और अवैध उगाही करके ले जाते हैं। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बालानी थाना क्षेत्र के मवीकला गांव में बिजली विभाग के अफसर द्वारा किसानों पर कराए गए झूठे मुकदमे को लेकर भारतीय किसान एजेंसी द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बात पूरा मामला है। भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक जिला अध्यक्ष नरेश पाल सिंह धरना दिया रहे, क्या यहाँ पे कुछ बिजली वाले मतलब ये कोई अपने वाले को टीम बता रहे थे कि हमारी फलम फेवला टीम से हैं, एक्शन वगैरह मतलब ये कुछ आए थे, प्राइवेट में आए लोग और यहाँ घुसे, घुसने के बाद में इन्होंने मतलब ये एतराज़ किया कि भाई मतलब ये तुम कौन हो, हम तो तुम्हें जानते नहीं। उन्होंने इनके साथ भद्र व्यवहार किया, भद्र व्यवहार करने के बाद में इनका कुत्ता वुत्ता भी लेके चले गए, पैसे वैसे की डिमांड की होगी, जो भी किया होगा, बाकी मतलब ये इनके साथ कुल मिला के भद्र व्यवहार किया। भद्र व्यवहार करने के बाद में जब वो कामयाब अपने मिशन में नहीं हुए, पैसा वैसा नहीं मिल पाया, तो उन्होंने संजीव प्रधान कुछ अन्य लोगों के खिलाफ थाने में एक मुकदमा लिखवाया है। जो किसानों पे इस तरीके के अगर मुकदमे मतलब वो होंगे, अभी हमारा कोई पेमेंट नहीं मिला, अभी हमारा मतलब बहुत मतलब प्रशासन पे मतलब बहुत कुछ बाकी पड़ा हुआ है, अगर इस तरीके के मुकदमे मतलब हमारे किसानों पे मतलब थोपे जाएंगे तो मैं अपने किसान यूनियन की तरफ से कह रहा हूँ कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झूठ एक्शन कोई यादव बता रहे हैं, कुछ पूरा नाम मेरे दिमाग मुझे नहीं पता, एक्शन मेरठ है, कोई विजिलेंस में थे, विजिलेंस वाले बताए और उन्होंने मुकदमा लिखवाया गया है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि मेरे भोले भाले मतलब ये किसानों के साथ अन्याय ना करके और इसकी सही तरीके से पूर्ण रूप से जांच करा करके इन मुकदमों को वापस लें। बता जा रहा कोई घर में कोई पालतू कुत्ता था इसको? हाँ, यहाँ कुत्ते वुत्ते रखते हैं, ये कुत्ते मतलब ये एक कुत्ता भी उनके मतलब ड्राइवर और वो एक कुत्ता भी उठा के ले गया जो काफ़ी कीमती था। ये बहुत घिनौनी बात है, बहुत छोटी बात है, इस तरीके का मतलब जो है उनको एक क्लास वन के अधिकारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, आश्वासन तो अभी नहीं मिल पाया मुझे मतलब, बाकी हाँ इतना है कि हमारे जो मतलब ये SP बागपत हैं वो ईमानदार आदमी हैं और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि वो इसमें निष्पक्ष जांच कराएंगे और निष्पक्ष जांच करा के जो हमारे निर्दोष किसान हैं और ये भला आदमी है संजू मतलब, मैं इसको बहुत पुराने तरीके से जानता हूँ, पूर्व प्रधान भी रहे हैं, मौजूद आदमी हैं, तो इसमें उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। सांसद ने भी बताया जा रहा है कि जो बिजली विभाग के अधिकारी उनको लेटर लिया था अपनी तरफ से, उसमें कोई आश्वासन नहीं दिया, क्या मानते हैं? देखो ये राजनीतिक मामला है, हमारे किसान मतलब हम किसानों की सेवा में हैं, हमारी किसान यूनियन अराजनीतिक है और हम किसानों के मतलब किसानों पर कतई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद के जब सांसद की बात पर जांच करने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद भी उसको जांच नहीं की जा रही है। सांसद जी वो माने सांसद जी ने क्या कहा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, बाकी इनको जांच करनी चाहिए। जब सांसद जी भी मतलब इस चीज़ को कह रहे हैं तो मैं तो यही समझूंगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही है, भूल रही है और इसकी निष्पक्ष जाँच करा के और ये मुकदमे वापस ले लें और एक्शन पर मुकदमा हुआ। वो कुत्ता लेके गए हैं तो मतलब और भी कुछ चीज़ लेके गए होंगे, तो एक्शन पर मुकदमा हुआ। मुकदमा क्या निर्णय लिया गया अभी? यह तो इसमें मुकदमे वापस होंगे, नहीं तो 10 तारीख को फिर और पंचायत होगी और उसमें अनिश्चितकालीन के लिए पंचायत होगी और धरना दिया जाएगा। जब तक मतलब यही उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरना दिया जाएगा 10 तारीख तक।
लगातार क्षेत्रवासियों को परेशान किया जा रहा है, शिकायतें लगातार मिलने से पहले बताएगा भाई दुबई बिजली विभाग के अफसर द्वारा की गई है जी, क्या निर्णय लेंगे? निर्णय ये है कि जो मेरठ से एक्शन साहब आए वो यहाँ के किसी लोकल कर्मचारी को लेकर आते, ये घटना जो हमें बताई गई वो रात की घटना है 8 बजे की, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और बहुत सारे गांव के लोग बता रहे हैं क्योंकि अन्य अन्य गांव से लोग यहाँ आए हुए हैं संजू प्रधान जी के, क्योंकि संजू प्रधान जी एक प्रतिष्ठित आदमी हैं, उनकी मिसेज सोसाइटी बिनोली की चेयरमैन भी हैं वर्तमान में, तो यहाँ गाँव के बहुत सारे लोग उसे ऐसा बताया गया कि भाई लोगों से पैसे भी लिए यहाँ से, कुत्ता भी लेकर चले गए, तो जो अभद्र व्यवहार किया है इसकी निष्पक्ष जाँच हो, हम प्रशासन से मांग करते हैं निष्पक्ष जांच हो और जो बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। असल 24 तारीख की शाम को ग्राम मविकला में कुछ लोग विजिलेंस अधिकारी बता करके आए देर रात, और अवैध वसूली का उनका मेन मकसद अवैध वसूली था, अवैध वसूली के नाम पे वो लोग जो पैसा दे रहे थे ठीक है, कुछ लोगों ने विरोध किया तो विरोध करने पे पूर्व प्रधान संजय चौधरी मौके पे पहुंचे, उन्होंने वसूली का विरोध पूछा तो उन्होंने जो है थाने पर जाकर के उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा या अन्य मारपीट की धाराओं में मुकदमा लिखाने का सीधा सीधा एक शोषण करने का काम किया। आम किसान आम आदमी के यहाँ बिना किसी रात में के परिवार रहते हैं रात में एक तरह से, तो कोर्ट की भी रूलिंग है कि आप जो है किसी के घर में नहीं जा सकते, उसी के संबंध में यहाँ सब क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए हैं और एक सांकेतिक धरना देने का काम किया, प्रशासन को चेताने का काम किया। अगर प्रशासन ये हमारे मुकदमे नहीं होते तो अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग जेल भरने का भी काम करेंगे और जो है जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे सब समाज के लोग साथ। जिलाधिकारी राजकमल जी, अच्छा ठीक है बस जी। मेरा नाम जय कुमार सुबेदार है, गाँव मतानत नगर का प्रधान हूँ और आज इस धरने में आया हुआ हूँ। अभी सुबह आज हमें पता चला था कि 2-3 दिन पहले गांव में मविकला के अंदर कुछ सिविल यूनिफॉर्म में कुछ लोग आए हुए थे जो अपने आप को विजिलेंस मेरठ का बता रहे थे और यहां से अवैध उगाही की गई है, लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। अभी अभी मेरे पास में एक वीरेंद्र नाम का लड़का बैठा हुआ था जो बता रहा था कि हमारे से 20,000 रुपये ले गए और ये बोला हम उनके यहाँ एक छोटा पप्पी था और ये कह रहे थे कि हैव ए ब्यूटीफुल पप्पी, और उस पप्पी को भी लेके, यानी वो छोटा पिल्ला था, पप्पी पिल्ले को ही कहते हैं, उसे भी उठा कर ले गए। तो ये जो अन्याय किसानों के साथ में और गांव वालों के साथ में देहात में किया जा रहा है कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो सरकार से भी प्रार्थना करते हैं और अधिक प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं, अगर इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर आज तो सांकेतिक धरना है 7 तारीख को, अभी अभी जिलाध्यक्ष साहब ने बताया है भारतीय किसान यूनियन के कि दोगट के अंदर एक महापंचायत होने जा रही है, उसमें फैसला करा जाएगा और 10 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे अगर इसके ऊपर हमें न्याय नहीं मिलेगा। उन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट की जाए और उनको और जो भी वे जांच करना चाहे निष्पक्ष जांच हो, अगर हम दोषी हैं हमें सज़ा मिले, वे दोषी हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर अधिकारी है तो इसका मतलब वे दोषी नहीं हो सकते, वे भी दोषी हैं, वे हमारे यहाँ से पैसा भी उगाही करके ले जा रहे हैं। आप हमें एक बार मौका तो दीजिए, हम सुधरते हैं, अपने गलती किया है तो फिर हम अपने आप को सुधार करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। धरना नहीं दिया जा रहा भाई, यहाँ सिर्फ विजिलेंस की टीम और बेरे बेरे ठग रही हैं, बहुत से लोगों को ठग लिया इन्होंने, पैसे ले जाए हैं और उनकी ताल बैटरी 100 रुपये लेकर चल दें। ये प्रधान जी ने इन्हें पता लग गया तो इन्होंने डांट दिए तो इन पर उगैली मुकदमे करवाने की कोशिश करी। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हिंसा कोई नहीं अलग, 10 तारीख के बाद तो हम धरना निश्चित काल कर धर देंगे। मेरा नाम मास्टर राजेंद्र सिंह, ग्राम सिरसल जी, और हमारे ग्राम के प्रधान धर्मेंद्र सिंह उस धर्मा के साथ मैं इस धरने और प्रदर्शन को सहयोग को समर्थन देने हेतु हम लोग 4-5 लोग अपने गांव से आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसी समस्याएं आती हैं, विद्युत विभाग के लोग कभी भी रात को या दिन में किसी भी समय आकर के इलीगल तरीके से छापेमारी करते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और अवैध उगाही करके ले जाते हैं। अच्छा, रात को किस समय आते हैं? ये कोई निश्चित नहीं है रात के आने का, कभी रात को 10 बजे, कभी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग
सुबह 5 o'clock तक भी आ जाते हैं। इतने लोग 4-5 लोग आते हैं और घर में अवैध रूप से घुस करके केबल वगैरह चेक करते हैं और फिर अवैध वसूली की बात करते हैं। बस।